आज का टॉपिक है क्या क्या, बोलिए बोलिए, लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स। अब सारी जगह पे जो है वैक्सीन चल रही हैं, लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लो। हर किसी ने, ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा भी ली है, यू नो। जिन्होंने नहीं लगवाई है उनके गले में ठूसी जा रही है कि आप भी लगवाओ। अच्छा, तो उसके साइड इफेक्ट्स हमको बाद में पता चलेंगे, मगर पहले अभी अभी उनको जो लॉकडाउन के इफेक्ट्स दिख रहे हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि लोगों पे क्या असर पड़ा है इस लॉकडाउन का। जब इंसान को बंद करके बिठा दिया जाता है घर पे तो फिर क्या होता है ऐसा डिस्क्लेमर होगा, सब आएंगे भाई, मेरा काम है डिस्क्लेमर देना, दूसरे क्या काम करे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पता है आंसू गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि दिल चल रहा होता है, हाय हाय हाय, ऐसा हाल अली नहीं, गांधी जी का हाईलाइट हो गया, नहीं ये वाला, हाँ पता है, ओहो हो एहसान अली, ऐसा आपने कमेंट मारा है कि मेरा दिल जो है और गर्म हो गया। एनीवेज, आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स की। लॉकडाउन में क्या हुआ है कि लॉकडाउन में हमको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है यहाँ पे, होल है मेरी शर्ट में, नहीं व्हाट इज दिस, हाँ जल गई है शर्ट, हाँ देखो गाइस मेरी शर्ट भी फट गई है। अच्छा बात कर रहे हैं लॉकडाउन में सिर्फ लड़ाइयां ही होती रही हैं, बड़ी बुरी। यहाँ तो आप जहाँ पे गांधी जी, आप जहाँ जाते हो ना वहां पे हरकतें हो रही थी, हमारे थोड़ी लड़ाइयां हो रही होती हैं। मगर लॉकडाउन ने क्या किया आपको? तो लॉकडाउन ने आपको बंद कर दिया, सब कुछ आपके लिए बंद कर दिया। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, आप किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो? एंटरटेनमेंट आपके लिए थी, टीवी था और इंटरनेट। टीवी कौन देखता है अब? अगर आप टीवी देखते हो तो आप 1900 के हो। टीवी कौन देखता है? आई डोंट वॉच टीवी, मेरे पास तो केबल नहीं है। कब से? 2009 से मैंने केबल कटवाया हुआ था। मैं जब अपने घर में मूवी थी केबल ही नहीं था। आई नेवर यूज केबल। कौन केबल यूज करता है? हर कोई आजकल स्ट्रीम कर रहा है, नेटफ्लिक्स आ गया है हमारे पास, हुलुलु आ गया है, तो हर कोई भागा इंटरनेट की तरफ क्योंकि इंटरनेट इज द बेस्ट वे टू कीप इन टच। हर कोई ऑनलाइन पहुंच गया। अब ऑनलाइन बैठे हो आप तो आप जरूरी थोड़ी कि आप सिर्फ काम ही करोगे। ऑनलाइन जो काम करते हैं इधर उधर भी तो भागना है ना, आपने अपनी भी तो देखना है ना, फेसबुक पे क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, और फिर आप बैठ के यही चीजें देखते रहते हो, बार बार देखते रहते हो। उससे क्या होता है? आपकी ब्रेन वॉशिंग होती है। लॉकडाउन में किसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है? मुझे ये बताइए, किसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है? एक तो अमेजोन ने, क्योंकि दबा के लोगों ने डिलीवरियां करवाई हैं घर पे, है ना। जो भी चीज आपको चाहिए इतनी कन्वीनियंटली है, आप अमेजोन पे जाए, वहां पे आप क्लिक करें, जो भी आप ढूंढ रहे हैं आपको वो मिल जाती है। I mean, आजकल तो ऐसा है कि आप सोचो किसी चीज के बारे में, सिर्फ सोचो और उसके आपको एड दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस दौरान जिन लोगों के बारे में यूट्यूब यानी इंटरनेट को पता नहीं भी था ना, उनके बारे में पता चल गया है, एंड पीपल हैव बीन ब्रेन वॉश्ड। अगर आप जैसे एक्स मुसलमान इन लोगों के चैनल्स पे रहते हो, जैसे कि यू नो साहिल, आमना और ये जो डिक्शट, ये सारा एक ही ट्रैफिक जाता है यहाँ पर। और जो लोग संडे डिक्शट को देखते हैं वो आमना को भी देखते हैं, वो साहिल को भी देखते हैं, वो सारे वही चैनल्स देखेंगे, राइट। और सारा दिन देखेंगे और सारा दिन ये सुन सुन के उनका ब्रेन जो है ना बिल्कुल हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ, इसी वजह से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। मुझ पे भी दौरे पड़ते हैं, मेरा दौरा पड़ता है कि कभी मैंने शो देखना है, मैंने अगर कोई शो स्टार्ट किया है तो मैंने वो खत्म करना है, चाहे मैं वो शो सुनती ही क्यों ना रहूं। सिर्फ देखना नहीं होता है, मैं तो सुनते फिरते जो है ना करती हूँ। दैट्स व्हाट एल्गोरिथम, एग्जैक्टली। एंड एल्गोरिथम इज the thing that is defining your life right now. मुझे YouTube जब बहुत पसंद था, जब मुझे रैंडम लोगों की वीडियोस दिखती थी जिनको कभी मैं जानती भी नहीं थी, छोटे यूट्यूबर्स जो होते थे जिनके इतने फॉलोअर्स नहीं है, उन लोगों की मुझे वीडियोस देखती थी, उन लोगों की तरफ ट्रैफिक जाता था। अब ये जो एल्गोरिदम और इन लोगों ने वो कर दिया है कि यू हैव टू जस्ट वॉच सर्टन थिंग। अगर आपने एक टाइप का वीडियो देख लिया तो भैन चौथ गाड़ी के अंदर घुस जाएंगे उसी टाइप के वीडियो को ले लेकर, यू नो, तो फिर आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। इसके लिए ये है कि अगर आप कॉग्निटो है, पता नहीं, कॉग्निटो मोड होता है मेरे ख्याल से, उसमें जाओ तो देन यू कैन डू इट। संजय दीक्षित आपको याद करते हैं, मान लीजिए मेरे को बहुत लोग याद करते हैं, मैं बहुत लोगों के ख्वाबों में आती हूँ। आप ये देख रहे हो ना, ये अभी तक मैंने करा नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी ये रसीदें कर लूँ। टाइम तो मिला है मगर मालीज जो है वो भी लॉकडाउन का शिकार हो गई है क्योंकि महालीज, हाँ, इनकॉग्निटो, हाँ ये बता रहे हैं ना, इनकॉग्निटो। महालीज भी शिकार हुई है इसका कि डिप्रेशन का। अब लॉकडाउन हुआ ना तो रेस्टोरेंट नहीं जाना। अब तो खैर आपको यू हैव टू हैव वैक्सीन टू गो टू अ रेस्टोरेंट। कहीं भी जाने के लिए आपको वैक्सीन चाहिए, सिवाय इसके कि आप शॉपिंग के लिए चले। मुझे तो आदत पड़ गई कि मैं घर से बाहर ही ना निकलूं। पहले भी नहीं निकलती थी मैं इतना घर से बाहर, मगर अब मैं बिल्कुल ही नहीं निकलती हूँ, विच इज नॉट गुड। घर में बैठे बैठे फिर आप डिप्रेस हो जाते हो, फिर आपको कुछ करने को दिल नहीं करता है। एंड पीपल आर गोइंग अंडर डिप्रेशन। डिप्रेशन इज द number 2 राइट नाउ साइड इफेक्ट, जो है ना डिप्रेशन नंबर 2 साइड इफेक्ट है सिर्फ लॉकडाउन का। बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। और डिप्रेशन आपकी हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो, अल्कोहल पीना शुरू हो जाते हो या ड्रग्स करना शुरू हो जाते हो। यू नो इट अफेक्ट्स, इट्स गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन डिफरेंटली। यू नो फंडामेंटल से आजादी मिली तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के ऊपर कैसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं इस वक्त जो है इस लॉकडाउन के, और आप कैसा फील कर रहे हो।